सांस नहीं आ रही, ऑक्सीजन कम है। कट 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 हो रहा है यहाँ पे कैमरा, बेइज्जती काफी हो गई है। ऑल गुड, गुड नहीं है, कैसा फील हो? क्या स्टेटस है कैप्टन? कम आ रही है। वी आर अबाउट टू गो टू द हाईएस्ट विलेज हिक्किम। हिक्किम इज द हाईएस्ट विलेज व्हिच एनीवन कैन ट्रैवल इन द एंटायर वर्ल्ड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम काजा। तो भाई डे है 3 और रात की नींद जो थी वो अच्छी नहीं रही। ये हमारा होम स्टे है, देखो कोजी कोजी सा। ये जो वॉल है ना, इस पे मड लगा हुआ है, बिकॉज इसके कारण ना ये थोड़ी वार्म रहती है। और भाई रात की नींद है ना अच्छी नहीं रही, 15 मिनट सोता एकदम से ऐसा लगता है कि सांस गई, उठ के बैठ जाता। ये सिलसिला चला सुबह 3-4 बजे तक, फिर 2 घंटे नींद आई, 6 बजे दोबारा आँख खुली, फिर 1 घंटे बाद नींद आई, 9 बजे आँख खुली। और पता नहीं क्यों ठंड ज्यादा थी, -23-24 तो मैंने चेक किया था 3 बजे, उसके बाद मैं फिर सो गया था। ये हमारा बिस्तर हाल। और एक चीज दिखाऊं आपको, देखो हमारे होम स्टे वाले भैया ने कहा था कि अगर पानी खत्म हो जाए ना तो बाहर टैंकी ले लेना, अपने को होना था फ्रेश। टैंकी की हालत दिखाऊं, कंबल उड़ा रखा है इसको भी, कंबल उड़ने के बाद सिचुएशन देखो आप। हाथ नहीं डालूंगा यार, मेरा ऑलरेडी हाथ पहुंचा था। ये दिखा दूं, किसी प्रॉब्लम नहीं है यार इससे। कैसे 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 धुलेगा पिछवाड़ा भाई? अपना रूम पार्टनर चला गया नीचे, और खैर पानी मैंने भैया से बोल दिया था, उन्होंने एक बाल्टी गर्म करके दे दिया, तो अपना काम हो गया। आज है अपना हिक्किम लांजा वगैरह जाएंगे, ये कॉमिक चीचम ब्रिज, और कल शायद ये की मोनेस्ट्री जाएंगे, तो देखते हैं जो होगा दिखाएंगे। फिलहाल चढ़ते हैं हम ब्रेकफास्ट के लिए, रेडी हो गए नाना धाना कुछ था नहीं। और बाहर का व्यू ड्रोन शॉट लूंगा तो दिखाऊंगा, बाकी फिलहाल देखो आप। ये 4-5 दिन पहले जो स्नोफॉल हुआ ना, बस वही है, रात को 2 दिन में नहीं हुआ वरना इसके ऊपर स्नो होती। रेडी होके चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, मिलेंगे फिर। और ये ब्रेकफास्ट रेडी है भाई, यहाँ पे चाय लाते ही 2 मिनट ठंडी हो जाती है, सुट्टा मार के पी लो। ब्रेड ऑमलेट बिल्कुल प्लेन, क्योंकि प्याज नहीं होती है, कुछ कर रहे हैं वो। प्याज बन जाती है बर्फ, टमाटर बन जाते हैं बर्फ, तो खाली ये ऑमलेट है प्लेन ऑमलेट ब्रेड के साथ। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखो इनको मिलना चाहिए अवार्ड, काजा में -23 रात को, और अभी फिलहाल 16 तो चल रहा होगा। और भाई ये तो नहा के आई है गर्म पानी से यार, मैं तो सॉक्स उतारने का मन नहीं कर रहा, 3 दिन से पहनी हुई है। मतलब इतना फ्रेश फील ही नहीं हो रहा था, रात को नींद नहीं आई, नींद नहीं आई, सांस नहीं आ रही, ऑक्सीजन कम है, और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह से ये मार के छोड़ेगा भाई। ये मेरी गाड़ी सुना रहा है गाइस, सांस कम आ रही है, हाय रात में लेटा हुआ हूँ यार, मेरे को झपकी लग गई थी। भाई मुझे भी प्रॉब्लम हो रही, पर इसलिए बाप से पूछो क्या बढ़िया सो रहा है बाप, डैडी एकदम बढ़िया सो रहा है, कुछ नहीं होता, आराम से लंबी लंबी सांस ले, कुछ ये छोटी सांस नहीं आ रही। अरे वो नींद नींद थोड़ा ऐसा लग रहा था, थोड़ी थोड़ी देर में नींद खुल जाए। जो थी बात थी वो थी, सबको शेयर करते हैं ना हम। पंकज भाई यहाँ उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उड़ नहीं रहा है उनका, इनका जुप करके उड़ाए बोलते हैं, इनका उड़ नहीं रहा है और इनका जुप करके उड़ाए बोल रहा है। दो रूममेट्स होते हैं, वो कुछ गलती करे तो तुरंत ला रहे, मेरा तो ऐसे ही हो गया था। कट 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 हो रहा है यहाँ पे कैमरा, बेइज्जती काफी हो गई है। और ड्रोन बाबा की जय। तो चलो भाई चल रहे हैं, और देख लो काजा का हाल, ये देख रहे हो, ये घरों का पानी कह लो या स्नोफॉल का जो मेल्ट वाटर होता है वो कह लो। आज चल रहे हैं हिक्किम लांजा कॉमिक, जो हमने समर में कर चुके हैं, अब विंटर में करेंगे और एक्सपीरियंस लेंगे। सांस क्यों फूल रहे हैं यार। हेलो हेलो हेलो, इनको देख लो भाई, ठंड में कुछ होता नहीं बेटा है।
भाई थार में ना अजीब सी आवाज आ रही थी, हालांकि ये पेट्रोल है कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी इसको स्टार्ट करके छोड़ दिया है। 15-20 मिनट कॉल स्टार्ट हो जाए उसके बाद मूव करते हैं। स्कॉर्पियो जो है वो डीजल थी, रात में 2-3 बार उठ के स्टार्ट किया है दोस्तों ने, तो ठीक रहा है। बस बाकी तो सारी बढ़िया है। क्या स्टेटस है कैप्टन? कम आ रही है। वी आर अबाउट टू गो टू द हाईएस्ट विलेज हिक्किम। हिक्किम इज द हाईएस्ट विलेज व्हिच एनीवन कैन ट्रैवल इन द एंटायर वर्ल्ड। मोटरेबल विलेज। मोटरेबल विलेज। दैट इज वेरी एक्साइटिंग एंड वी आर ऑल गुड टू गो। गुड टू गो। चलो लेट्स गो गाइस। तो आवाज वगैरह आ रही थी ठीक है? सब चेक है। चलो ओके रिपोर्ट है जी। ओके रिपोर्ट है, सारी गाड़ियां रेडी हो गई है भाई। भाई ओवर लेयरिंग कर ली है मैंने तो, लग रहा उतारनी पड़ेगी जैकेट वाली। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, मत स्थिति आपको उतारने नहीं देगी। ऑल्सो मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ वाइल्ड लाइफ दिखे हमारे को, जैसे कुछ होगा मैं कॉन्वे रोक दूंगा। देखो थोड़ा सा पानी बचा हुआ था इसके अंदर, और वो पानी का ना देखो परपन किए सब उड़ जाएगी, समझ गए कितनी ठंडा है। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। अभी हम जा रहे हैं लांजा की तरफ एंड दिस इज द शॉर्टकट दैट वी विल बी टेकिंग। तो जैसे अगर आपको लग रहा है कि फंस रही है, जैसे ही लगता है टायर स्पिन हो रहा है, तो आपने पहले रिग्रेसली लेफ्ट या राइट करना है स्टीयरिंग टू गेन ट्रैक्शन, एंड सेकेंडली थ्रॉटल मॉड्यूलेशन करनी है। एक स्टैग्नेंटी देखिए, अगर जब चल रही है तो एक जाने दो। चलो फाइनली एक्सपेडिशन चालू हो रहा है गाइस। तो गाइस हम है ना ये शॉर्टकट रास्ता ले रहे हैं, साथ में ऑफरोडिंग भी हो जाएगी। अभी तक दो गाड़ी निकल चुकी है, एक जिप्सी और जिमनी, चार गाड़ी नीचे। तो भाई लांगजा आ चुके हैं हम, ये अपनी बेबी थार, और सुनो देखो फ्रेश है बिल्कुल, ये कल रात को ही पड़ी है, बिल्कुल भी हवा नहीं है यार। ड्रोन उड़ाने के लिए बहुत अच्छा वेदर है, ट्राई करते हैं ड्रोन शॉट लेने का। ऑल गुड। गुड नहीं है, कैसा फील हो रहा है? बच्चों तुम कार में जाओ ना, चल के आयो। वैसे यहाँ पे जल्दी थकान हो जाती है गाइस। और कैफे सिर्फ सितासी कैफे ओपन है आई थिंक, बाकी सारे कैफे बंद है। iPhone is charging. बेरी की टी है, टेस्ट बताओ। एक नंबर। बेरी का नाम पता है क्या है? नहीं पता। गरम फेंटा है, गरम फेंटा फेंटा, लेकिन ऐसी फेंटा है कि अल्टीट्यूड में काम करेगी ये, जो एकदम नीचे देख बेसिकली वो स्वाद देती है पानी में। मैं बता रहा हूँ, हाई अल्टीट्यूड की जो सिकनेस होती है ना, वो इसको पीने के बाद खत्म हो जाएगी, और जो ऑक्सीजन बॉडी को चाहिए होता है वो बेरीज में काफी है। तो लांगजा से अब चल रहे हैं गाड़ी की तरफ। आई होप ड्रोन शॉट अच्छे लगे होंगे यार, थक जाता हूँ यार। एक तो चढ़ाई, ऊपर से हाई एल्टीट्यूड, ऊपर से क्या ठंड, माइनस टेम्परेचर। मोनेस्ट्री वगैरह सब क्लोज है कॉमिक में, और ये है वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल विलेज कॉमिक,
ये है ओल्ड मोनेस्ट्री, वो है न्यू मोनेस्ट्री, भाई दोनों के दोनों बंद है। फोर हाई लगाओ, फोर हाई तो लगा ही हुआ था ना, फोर लो लगेगा। हाँ आंदो आंदो, गुड 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 गुड। थार के लिए सब चीज इजी है भाई। तो गाइस बस यहाँ पे फोटोज वगैरह हुई है और चल रहे हैं। बाकी क्या है, बाकी सब ठीक है। भाई गाय फ्रॉम मनाली अश्वनी भाई है ये। वर्ल्ड हाईएस्ट कैफे, लास्ट टाइम नहीं था यार ये, अभी बनाए कॉमिक पे। वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट है ये भाई। ऑर्डर किया राजमा राइस, वन प्लेट लिया भाइयों ने या मैंने, हम दोनों ने हाफ हाफ कर लिया। मेरी जुबान लड़खड़ा रही है यार ये इसलिए। बाकी सेटिंग अच्छी है, सेटिंग रेस्टिंग। यहाँ पे लंच के बाद हमने बॉर्नविटा ऑर्डर किया, चाय कॉफी से थक गए। चीयर्स। टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन है, दिख नहीं रहा, धूप निकलती है, इसका मतलब ये नहीं टेम्परेचर डाउन नहीं है। देखो देख रहे हो, ये पानी टपक टपक के, ये टपक नहीं पाया, ये पूरा जाम हो गया एकदम। थार को हमने लिया कवर वंस अगेन, क्योंकि अब ठंड बढ़ने वाली है। सूर्य देवता भी आधे घंटे में चले जाएंगे। अब रह गया अपना हिकिम, उसके बाद बैक टू होटल होम स्टे। उससे एंड में होती है कॉनवे में हमारी गाड़ी, हमारी लास्ट बैकअप कार है जो हमें लेके चलती है। पूरा कॉनवे चला गया है, बस ये बेबी थार रुकी हुई थी। हाँ 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 जानते जानते हैवी ड्राइवर भाई, असली कोई कार मजीद पैच बना हुआ ना, इसी में चलते रहो, नो ब्रेकिंग, जान दो ऐसे जान दो, मूव होके हिल डिसेंट कंट्रोल लगा हुआ है, हल्का सा ब्रेक लेना है, ऊपर लेना मत, हार्ड मत लेना, हल्का लेना, छोड़ देना। सिक्किम पोस्ट ऑफिस पहुंच गए हम, थार को फोटो खिंचवानी थी तो भाई आ गए, वैसे हम आ चुके हैं पहले। भाई विंटर्स में ना ये पोस्ट ऑफिस भी बंद होता है, तो नॉन ऑपरेशनल होता है ये, बस अब आके फोटो वगैरह ले सकते हो, बाकी यहाँ से कोई डाक वगैरह भेजने का है तो वो नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये विंटर बंद रहता है। चलो भाई चलते हैं, हो गया। केसरी मूवी की जो शूटिंग हुई है ना, गाना है यदि मिट्टी पे मिल जाऊं। जब आप सिक्किम लांगजा से वापस आओगे ना, तो रिटर्न में दिखेगा आपको ऊंचाई पे ही अंडर, तो ये है वो। भाई रिटर्न टू होम आ गए हम, टाइम बज गए हैं 6:15। ठंड लग रही है अब, क्योंकि जैसे सूरज डूबता है ना, ठंड इतनी तेज लगती है कि बस मेरी उंगलियां जाम हो रही है, जबकि 3-3 सॉक्स पहन रखी है। जाके ऊपर बुखारी में बैठेंगे, जहाँ कल रात को डिनर किया था वहीं चैन मिलेगा भाई। ओ बोले बाबा अंत अंत बेअंत तेरी आज के खाने में गोभी की सब्जी और ये दही, जो दही है ना भाई, ये बॉइल करके फिर आयदा बनाते हैं, और वो दाल मखनी, रोटी, पापड़। चलिए गाइस आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे आपसे कल दोबारा से, तब तक के लिए गुड नाइट।